नर्मदा नहर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को गुजरात के कच्छ जिले के भुज में रोड शो किया था। वहीं 2 सितंबर को उन्होंने मंगलुरु का दौरा किया। इन कार्यक्रमों के बीच कई भाजपा नेता पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। अमित मालवीय ने 2 सितंबर को ये वीडियो ट्वीट करते हुए हैशटैग मंगलुरु लिखा। मंगलुरु का बताते हुए ये वीडियो भाजपा आंध्र प्रदेश के राज्य महासचिव विष्णुवर्धन रेड्डी और स्थानीय पत्रकार सूरज सुरेश ने ट्वीट किया। हालांकि प्रीति गांधी ने ये वीडियो भुज में हुए रोड शो का बताया, लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने तफ्तीश की तो पाया कि ये वीडियो नहीं कच्छ का है और न ही मंगलुरु का, तो फिर हकीकत में ये वीडियो कहाँ का है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। इसके फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को प्रीति गांधी और अमित मालवीय के अप्रैल 2019 के ये ट्वीट्स मिले। इन ट्वीट्स में ये वीडियो शेयर किया गया है और साथ में बताया गया है कि ये वीडियो कोलकाता में 2019 में निकाली गई चुनाव रैली के बाद आयोजित की गई जनसभा का है। भाजपा ने 3 अप्रैल 2019 को ये वीडियो कोलकाता का बताते हुए ट्वीट किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये वीडियो उस वक्त ट्वीट किया था। वायरल वीडियो और 2019 के इस वीडियो के फ्रेम को कंपेयर करने पर साफ हो जाता है कि ये दोनों असल में एक ही वीडियो है। अब सवाल ये है कि अमित मालवीय और प्रीति गांधी ने जिस वीडियो को 2019 में कोलकाता का बताकर शेयर किया था, उसे फिर से कैसे अलग अलग जगहों का बताकर शेयर कर सकते हैं? या तो उन्होंने वीडियो के पुराने होने की बात अनदेखी कर इसे भारी भीड़ दिखाते हुए शेयर किया, या फिर वो भूल गए थे कि ये वीडियो पुराना है। बाद में अमित मालवीय ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, यानी कोलकाता का वीडियो बीजेपी नेताओं द्वारा कच्छ और मंगलुरु में हाल में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का बताकर शेयर किया गया।